दोस्तों मैं आपको इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है रेडियन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ पर आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं। वहीं इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं। साथ ही आपको यहाँ 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा वहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए रेडियन्ना को। दोस्तों केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन में शानदार प्रदर्शन जारी है। पहले मैच में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद केएल राहुल की टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 मैच जीते। 4 मैचों में 3 जीत और 1 हार के साथ इस समय केएल राहुल की टीम पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पर काबिज है। वहीं अब लखनऊ सुपर जायंट्स अपने 5वें मुकाबले में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने वाली है, जिसे अपने पिछले मैच में RCB से हार मिली थी। ऐसे में राजस्थान जीत की पटरी पर वापस लौटने की भरपूर कोशिश करेगी और राहुल की टीम को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, इसलिए लखनऊ को पूरी तैयारी के साथ राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला करना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मैच के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि लखनऊ को इस मैच में किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहिए जिससे वे राजस्थान के खिलाफ भी शानदार जीत दर्ज कर सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बड़े फैन तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे चैनल क्रिकेट ट्रायंगल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, जिसे अपने अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के लिए प्लेयर्स अवेलेबिलिटी की। इस मैच से पहले लखनऊ के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस ने अपना 3 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट कर लिया है, जिसके बाद मार्कस स्टोनिस इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। कप्तान राहुल उन्हें इस मैच में मौका दे सकते हैं। बात करें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो इस मैच में अभी ओपनिंग करेंगे केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक। दोनों ही बल्लेबाज लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ लास्ट मैच में डीकॉक ने 80 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि राहुल उस लय में बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब तक काफ़ी स्लो बल्लेबाजी की है राहुल ने, इसलिए उनको तेजी से रन बनाने होंगे। उसके बाद नंबर 3 पर इस मैच में मार्कस स्टोनिस खेलेंगे। स्टोनिस प्लेइंग 11 में एबेन लुइस की जगह लेंगे, जो कि एक मैच में बड़ी पारी खेलने के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए। स्टोनिस लखनऊ के लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर एजेज दीपक हुड्डा दिखाई देंगे। इस ऑलराउंडर ने अब तक लखनऊ के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया है। वहीं 5वें नंबर पर आयुष बदौनी होंगे। आयुष बदौनी के तौर पर लखनऊ को एक बेहतरीन टैलेंटेड बल्लेबाज मिल गया है। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस बल्लेबाज ने सभी को इम्प्रेस किया है। 6वें नंबर पर कृणाल पांड्या दिखेंगे। इस ऑलराउंडर ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। बैटिंग बॉलिंग दोनों में कृणाल पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया है। नंबर 7 पर कैरेबियन ऑलराउंडर जैसन होल्डर खेलेंगे। होल्डर ने अब तक 2 ही मैच खेले हैं। बल्लेबाजी में उनको मौके नहीं मिले हैं, गेंदबाजी में 1 मैच में 3 विकेट लिए थे। ऐसे में होल्डर का शो दिखना अभी बाकी है। उसके बाद 8वें नंबर पर के गौतम होंगे। गौतम ने अभी 1 ही मैच खेला है जिसमें उन्होंने गेंदबाजी में 4 ओवर में मात्र 23 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। इनमें से 1 ओवर मेडन भी डाला था उन्होंने। इस मैच में भी उनसे वैसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो 90 नंबर पर एंड्रयू टाई इस मैच से बाहर हो सकते हैं। वह 1 ही मैच में चल पाए थे, बाकी मैचों में कोई विकेट ना ले पाए। उनकी जगह पर केएल राहुल दुस्मानता चमीरा को फिर से प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहेंगे। वहीं नंबर 10 पर रवि बिश्नोई होंगे। इस स्पिन गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से खूब इंप्रेस किया है। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं। वहीं आखिर में 11वें नंबर पर आबिस खान होंगे। इस समय आबिस खान ही लखनऊ के लीडिंग विकेट टेकर हैं। वह 4 मैचों में 7 विकेट चटका चुके हैं। इस मैच में भी शानदार गेंदबाजी करनी होगी इस तेज गेंदबाज को। तो दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स इन 11 खिलाड़ियों के साथ संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच में उतरने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए लखनऊ की प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्रिकेट ट्रायंगल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।